भारत को कोविड वैक्सीन देने के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार है, लेकिन अब इसमें देर भारत सरकार की ओर से ही हो रही है। इस बात की जानकारी अमेरिका ने मंगलवार को दी। वॉशिंगटन की ओर से कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन के निर्यात की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन वैक्सीन डोनेशन के लिए कानूनी प्रावधानों की समीक्षा को लेकर भारत को समय चाहिए। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमें भारत सरकार से ग्रीन लाइट का इंतजार है, क्योंकि हम वैक्सीन के निर्यात के लिए तैयार हैं। बाइडेन प्रशासन ने ऐलान किया है कि भारत समेत दुनिया भर के देशों को ये वैक्सीन की 80 मिलियन खुराकें देगा। हाल में ही अमेरिका से वैक्सीन की खेप पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश समेत दुनिया भर के कई देशों में भेजी गई है। भारत में इस तरह की आपातकालीन आयात से जुड़ी कुछ कानूनी प्रावधान है, जिसके पूरे होते ही वैक्सीन की खेप अमेरिका से पहुंच जाएगी। अमेरिका की ओर से भारत को 3-4 मिलियन मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन मिलने का इंतजार है। बता दें कि मॉडर्ना वैक्सीन को भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में आपात इस्तेमाल की अनुमति मिल चुकी है, वहीं फाइजर की ओर से आपात इस्तेमाल के लिए आवेदन नहीं किया गया है। अमेरिका ने कहा है कि जिन देशों को वॉशिंगटन की ओर से कोरोना वैक्सीन भेजी जा रही है, वो कानून और वैक्सीन लेने के लिए जरूरी नियमों का ध्यान रखना जरूरी है, इससे आसानी से उन्हें मदद की जा सकेगी। नेट प्राइस ने यह भी कहा कि भारत अपनी कानूनी प्रक्रियाओं को देख रहा है ताकि अमेरिका से वैक्सीन को भेजना आसान हो। उन्होंने कहा कि हमने वैक्सीन की मदद कई देशों को दी है, जिससे दक्षिण एशिया में हमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका को लाखों खुराकें दे रहे हैं। दुनिया भर में अब तक लगभग 40 मिलियन खुराक वितरित हो चुकी हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।